फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मारिया और आज जो मैं आप लोगों के साथ अपनी सिंपल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है तोरी की भुजिया की, यानी जुकीनी की। और मैंने तोरी जो दी है वो आधा किलो के करीब थी, उसे काट के छील के गोल गोल स्लाइस में काट लिया है। यहाँ मैंने एक नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली है, ज़ीरा ले लिया 1 चम्मच और ऑयल जो मैंने लिया है बस, क्योंकि मेरे पास तोरी कम है तो एक भर के मैंने डाल लिया 1 चम्मच के करीब। 5 या 6 के करीब मेरे पास ये मोटी मिर्चें हैं, काट ली हैं, ये डालूँगी। और मेरी प्याज जो है मैं उसका वेट कर रही हूँ, ब्राउन होने वाली है। थोड़ी में पानी डालने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि ये हवा में गलती है बिल्कुल। नमक में आप आधा चम्मच के करीब डाल दीजिएगा, मैं तो आधा चम्मच के करीब ही डालूंगी, ज़्यादा नमक नहीं देते। अब मैं इसमें तोरी ऐड करूँगी। एंड देखिए, मैंने अपनी तोरी ऐड कर ली इसमें। अब मैं इसमें अपनी हरी मिर्च डाल रही हूँ। और इसको ऐसे ही खुला पकाना है, ढकना ही रखूँगी। इसकी आँच आप देख लीजिए, इसको लो फ्लेम पे सिर्फ 5 मिनट के लिए देखिएगा, फिर इसके बाद पानी छोड़ देगी, फिर इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। अब इसको इसी आंच पकने दें, फिर इसके बाद इसको हम तेज़ आंच में और पकाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी तोरी जो है ऑलमोस्ट रेडी है, देखिए इसमें सारा पानी भी हो गया। आप चाहें तो इसको और चाहें तो पका लीजिए, मुझे मेरे हिसाब से ये सही है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर आप चाहें तो और हरी मिर्ची डाल लें और खा लीजिए इसको नींबू डाल के रोटी के साथ। आई होप कि आपको मेरी सिंपल तोरी की रेसिपी जो पसंद आई होगी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इस तोरी की भुजिया को या सिंपल रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी सजेशन भी दीजिएगा। माय नेम इज़ मारिया, थैंक यू, बाय बाय।